Hello everyone, myself Dr. Daksh Mahajan. I am the consultant urologist and kidney transplant surgeon associated with Amandeep Group of Hospitals. Last video में हमने एक myth and facts की series के accordingly एक myth break किया था. उसी series को continue करते हुए हम आज एक और myth discuss करेंगे और उसे break करेंगे. और ये myth भी kidney stones के regarding ही है. मिथ ये है कि कई पेशेंट्स, खासकर यंग पेशेंट्स जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और उनको ये एडवाइस दी गई होती है कि आप बियर पीजिए या खारा सोडा पीजिए जिससे आपके किडनी स्टोन्स निकल जाएंगे या कल को कम बनेंगे. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही गलत धारणा है. होता क्या है कि बियर में ज़रूर कुछ डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि उससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ती है, तो जिससे कि छोटे किडनी स्टोन्स पास होने में थोड़ी सहायता मिलती है. पर इसी के साथ ही बियर में कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सलेट्स और फॉस्फोरिक एसिड्स, जो आपके किडनी स्टोन बनाने में सहायक भी होते हैं. तो जितना इफ़ेक्ट ये यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करके सहायक होता है किडनी स्टोन्स निकालने में, उससे ज़्यादा ये खराब काम करता है किडनी स्टोन्स फॉर्म करने में. और ये भी हो सकता है कि बियर के बाद कई लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन. उससे भी किडनी स्टोन बनने में सहायता होती है. तो हम ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते कि आप बियर पी के अपने किडनी स्टोन्स को निकालने की कोशिश कीजिए या उनको कल को ना बनने के लिए आप बियर पीना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बियर के नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे और बियर के आपके लीवर, पैंक्रियाज और ओवरऑल हेल्थ पे भी ख़राब असर होगा. तो हमारी सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है कि आप सिंपल वाटर जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिए, ताकि जो फंडा हमें चाहिए यूरिन ज़्यादा बनने का, वो पानी से भी उतना ही यूरिन ज़्यादा बन जाएगा जितना कि बियर बना के देगी. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और मिथ लेके आएंगे और उसको ब्रेक करेंगे. तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू.